हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डू इन मिनट्स में। इससे पिछली वाली मैंने वीडियो में आपको साइकिल में 7 स्पीड की गियर को इंस्टॉल कर दिखाया था, और वो वाली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप वही वाली साइकिल में फ्रंट गियर की भी इंस्टॉलेशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें जरूर आप कमेंट कर बताइएगा। तो आप लोग में से काफी ज्यादा सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि इसके ऊपर भी वीडियो लाइए, तो आज की इस वीडियो में हम आपको साइकिल में फ्रंट गियर को भी इंस्टॉल कर दिखाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार की साइकिल से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूं। आप मेरे चैनल पे कई सारे साइकिल की कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग वीडियो या फिर इंस्टॉलेशन वीडियो देख सकते हैं, मैंने कई सारी वीडियो अपने चैनल पर बना रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको फ्रंट गियर इंस्टॉल कर दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फ्रंट गियर को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर इसकी क्रिंकसेट को खोलकर अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास मेरी साइकिल में क्रिंकसेट इंस्टॉल है वो क्वार्टर लेस है, यानी कि ये क्वार्टर पिन वाली नहीं है। तो इसमें एक्सल में नट और बोल्ट दिया जाता है। तो मेरी साइकिल में यहाँ पर एक्सल में बोल्ट लगा हुआ है, तो बोल्ट को खोलने के लिए आप सॉकेट रिंच का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्रिंकसेट को बाहर निकालने के लिए क्रिंक ओपनर टूल का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपका क्रिंकसेट बाहर की तरफ आ पाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से क्रिंक ओपनर टूल को लगा देना है। उसके बाद आप एलिंग की का यूज़ करेंगे और क्लॉक बाई डायरेक्शन में इसे रोटेट करेंगे, जिससे आपका क्रिंक बाहर की तरफ निकल आएगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। उसके बाद आप चाहे तो अपनी पुरानी वाली पेडल को भी अपनी क्रिंक सेट से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप नई पेडल लगाना चाहते हैं तो आपको नई वाली पेडल लगानी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर सेम प्रोसेस दोबारा से करना है अपनी राइट साइड वाली चेन रिंग को निकालने के लिए। तो वापस से यहाँ पे अपनी क्रैंक ओपनर टूल को आपको लगा देना है। लगा देने के बाद आपको सेम प्रोसेस करना है, कुछ इस तरीके से आपका क्रैंकसेट बाहर की तरफ आ जाएगा। क्रैंकसेट खोलते टाइम मैंने यहाँ पर देखा कि जो मेरे बॉटम ब्रैकेट का थ्रेड था वो ख़राब हो चुका था। तो इसकी जो नट थी, यानी कि जो ये बोल्ट था, ये बोल्ट खोलने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद मैंने जब देखा तो उसकी थ्रेड ख़राब हो चुकी थी। तब अब मुझे पूरा सेल ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिससे एक बार में ही ये खोलने से पूरी तरीके से इसका सेल ख़राब हो चुका है। तब इसे सेल को रिप्लेस करेंगे। अगर इस दौरान इस प्रोसेस में अगर आपका सेल ख़राब नहीं होता है तो ये प्रोसेस आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ बॉटम ब्रैकेट ओपनर टूल। इस बॉटम ब्रैकेट टूल से मैं अपनी बॉटम ब्रैकेट को निकालूंगा और उसे रिप्लेस भी कर दूंगा। तो ये जो मेरी हीरो स्प्रिंट की साइकिल थी, इसके अंदर की पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा मुझे ख़राब मिली। इसकी टायर में भी यहाँ तक मुझे क्रैक्स देखने को मिला है, और इसकी जो पार्ट है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं किसी को नहीं रिकमेंड करूँगा कि ये हीरो स्प्रिंट कंपस 29 इंच वाली साइकिल कोई भी परचेज करे, क्योंकि इसके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा है। और इसकी पार्ट्स कैसी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। कुछ महीने पहले ही मैंने इसे परचेज़ किया था और इसकी मैं मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखता हूँ, फिर भी आप देख सकते हैं इसकी पार्ट्स कितनी ज़्यादा लो क्वालिटी की थी, एक बार में ये ख़राब हो गई। आप देख सकते हैं सेल अंदर से पूरी तरीके से रस्टेड है, काफ़ी ज़्यादा इसमें जंग लग चुकी है। तो हमने सेल को खोल दिया है, तो इसकी सफाई अच्छे से कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पानी जाने के कारण हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत जंग लग गया है, दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा, ये अभी भी गीला है। तो इसे साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पर रनिंग वाटर का यूज़ किया है। हाई प्रेशर में पानी से धो देने पर पूरी सेल साफ़ हो गई। उसके बाद मैंने इसे कपड़े से पोंछ दिया। उसके बाद मैं ये वाली सेल का यूज़ करूँगा। आप देख सकते हैं पहले मेरे में लगी हुई थी बॉल बेयरिंग वाली, लेकिन अब मैं कप एंड बॉल्स वाली अपनी बॉटम ब्रैकेट का यूज़ करूँगा, क्योंकि ये लो बजट होता है, आप इसे कहीं भी रिपेयर करा सकते हैं। और अगर इसमें आपका एक्सल ख़राब होता है तो आपको कम खर्च ही होगा और इसकी एक्सल चेंज हो जाएगी। उसके बाद आपको दोनों कप्स में 11-11 यानी कि 11 बॉल आपको काउंट कर लेना है, और ग्रीस लगाकर अच्छी तरीके से बॉल को लगा देना है। याद रहे दोनों साइड में आपको 11 बॉल लगा देना है। लगा देने के बाद कप को आप टाइट कर लें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सल में ये वाला जो पार्ट है वो छोटा है और राइट साइड वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है। तो बड़े वाली साइज़ वाले पार्ट को आपको राइट साइड में रखना है और छोटे वाले भाग को आपको लेफ्ट साइड में रखना है। उसके बाद कप
कप को आप कुछ इस तरीके से टाइट कर सकते हैं। यहाँ पर जब मैं कप को टाइट कर रहा था तो ये साइकिल में अच्छी तरीके से फ्रीली टाइट नहीं हो पा रही थी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, इसलिए मैंने यहाँ पर हैमर का यूज़ किया है। आपको भी ये सेम प्रोसेस करना है अगर आप अपनी बीवी कप को टाइट करना चाहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से मैंने इसे टाइट कर दिया है। इसे आपको ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है जिससे आपका एक्सल फिर अच्छी तरीके से रोटेट नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप लास्ट में ये जो लॉक नट होती है, ये वाली लॉक नट को आप लगाकर कुछ इस तरीके से टाइट कर दें और यहाँ पर जो हमारी पूरी बॉटम ब्रैकेट है उसका सेल चेंज हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस में अपनी लिफ्ट क्रैंक आर्म को लगाएंगे। लिफ्ट क्रैंक आर्म को लगाने के लिए आपको इसे स्लॉट में रखना होता है और आप इसे कुछ इस तरीके से झटका लगाकर टाइट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्रैंकसेट के ऊपर आप हैमर का यूज़ ना करें। अगर आपके पास मैलेट हैमर है यानी कि रबर वाली या फिर लकड़ी वाली हैमर है तो आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप इसके ऊपर, अगर नॉर्मल हैमर है आपके पास कास्ट आयरन की, तो आप इसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ रखकर हैमर से चोट लगा सकते हैं जिससे ये टाइट हो जाएगा और आपका क्रैंकसेट भी ख़राब नहीं होगा। यही सेम प्रोसेस आपको राइट साइड में भी करना है। ये वाली क्रैंकसेट को लगाना थोड़ा सा आसान होता है। रखिए और आपको कुछ इस तरीके से इस पर चोट लगानी है। आप देख सकते हैं मैं रबर के साइड से इसके ऊपर लगा रहा हूँ चोट, या फिर मैं अपने प्लायर से इस पर झटका लगा रहा हूँ जिससे डायरेक्ट हमारा जो हैमर है वो क्रैंकसेट के ऊपर नहीं लग रहा है, जिससे क्रैंकसेट में कोई भी डैमेज नहीं आएगा और क्रैंकसेट भी अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगी। एक बार जब ये अच्छे से लग जाएगी तो आपको सॉकेट रिंच, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ऐसी कोई एक रिंच का यूज़ करना है और नट को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा क्रैंकसेट है वो टाइट हो चुका है। सेकंड प्रोसेस में आपको अपनी साइकिल में पेडल्स को लगा देना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप अपनी नई वाली पेडल को लगाना चाहते हैं तो भी आप इसमें नई पेडल को लगा सकते हैं। उसके बाद हम अपनी चेन को इसके अंदर लगा देंगे और आपको थोड़ा सा क्रैंकसेट को रोटेट कर दिखाते हैं कि ये कैसा वर्क कर रहा है। इस साइड में भी हम अपनी पेडल को लगा लेते हैं। कई बार होता है कि जो बॉटम ब्रैकेट का नट है कुछ दिन राइड करने के बाद वो ढीला हो जाता है, अगर आप इसे अच्छी तरीके से टाइट नहीं करेंगे तब। अब जो हमारा साइकिल है आपको कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, हमने इसमें ग्रे कलर की क्रैंकसेट लगा दी है। आपको ये कैसी लग रही है हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर शिमानो टूर्नी की फ्रंट डिरेलर को यूज़ करने वाला हूँ। ये जो फ्रंट डिरेलर है ये डुअल पुल है, यानी कि आप इसे अप पुल और डाउन पुल दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस वाली डिरेलर में आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी वायर साइकिल में क्रैंकसेट के नीचे से जा रही है या फिर ऊपर से जा रही है, दोनों तरफ में काम करता है। उसके बाद आपको डिरेलर को टाइट करने से पहले यहाँ पर आपको मिलाना पड़ता है ये तीथ, और ये जो डिरेलर का जो मेटल वाला पार्ट है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, क्रॉस बिल्कुल भी नहीं, ना ही आपको कुछ इस तरीके से भी क्रॉस नहीं करना है। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फ्रंट डिरेलर की एडजस्टमेंट में आपको सबसे ज़्यादा यही अलाइनमेंट को देखना पड़ता है कि आप अपनी फ्रंट वाली जो डिरेलर है वो चेन के बिल्कुल पैरेलल रख रहे हैं या नहीं। थोड़ा भी ये क्रॉस होता है तो आपकी शिफ्टिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसे बिल्कुल एकदम करीब कर दिया है और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पैरेलल है, ज़्यादा आपको इसे टिल्ट भी नहीं करना है। आप एक बार देख लें कि ये अच्छी तरीके से पैरेलल हो गई है, उसके बाद ही आप इसे टाइट करें। एक बार टाइट हो जाने के बाद इसकी मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर चेन को खोलना होगा क्योंकि फ्रंट डिरेलर के अंदर आपको चेन को घुसाते हुए ही इसे बंद करना है। चेन को खोलने के लिए मैं यहाँ पर चेन टूल का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास चेन टूल नहीं है और आप कांटी या फिर हैमर की मदद से इसे खोल रहे हैं तो चेन को खोलते और बंद करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि चेन बिल्कुल भी डैमेज ना हो, और चेन बंद करते समय तो आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी है। बहुत लोग होते हैं कि चेन को अच्छी तरीके से बंद नहीं कर पाते हैं जिससे प्रॉब्लम क्या आता है कि साइकिलिंग के दौरान चेन टूट जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी चेन अब खुल चुकी है। कुछ इस तरीके से आपको इसे डिरेलर के अंदर डाल देना है और वापस से आपको चेन को बंद कर देना है। चेन बंद करने के लिए आपको सिंपल से अपने लिंक को आपस में जोड़ना है और आप चाहे तो प्लायर से इसे दबा सकते हैं जिससे इसका रिबेट बाहर की तरफ आ जाएगा, थोड़ा सा आपका चेन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। लॉक कर अच्छी तरीके से फिर आपको लॉक करने के लिए यहाँ पर आपको दोबारा से मैं चेन टूल का यूज़ कर दिखा देता हूँ कि चेन टूल के यूज़ करने से समय भी बचती है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये जो हमारा चेन है वो बंद हो जाता है। हैमर्स का भी आप यूज़ करके बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको चेक कर लेना है कि दोनों साइड से जो रिबेट है
वो अच्छी तरीके से लॉक होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो चेन है वो सक्सेसफुली लग चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आपको डिरेलर की एडजस्टमेंट करना भी सिखाएंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, डिरेलर अभी थोड़ा सा ऊपर है जिससे चेन हमारी डिरेलर में रब कर रही है। जैसे ही अपनी चेन को रोटेट करते हैं तो यहाँ पर हम अपनी डिरेलर को थोड़ा सा और नीचे की तरफ कर लेते हैं, वापस से इसे पैडलर कर देते हैं। कभी भी आप ये वाली नट का यूज़ करेंगे या फिर खोलेंगे लूज़ करेंगे तो आपको इसे पैडलर करके ही टाइट करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि चेन और डिरेलर के बीच में अच्छी खासी गैप बन गई है। उसके बाद हम अपने शिफ्टर को इंस्टॉल कर दिखाते हैं। तो शिफ्टर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें से अपनी हैंडल ग्रिप को बाहर निकालना होगा। हैंडल ग्रिप को निकाल लीजिए, ब्रेक लीवर को निकाल लीजिए और ये रहा हमारा शिमानो का थंब एंड फिंगर शिफ्टर। यही सेम शिफ्टर मैंने 7 स्पीड की जो इंस्टॉलेशन वाली वीडियो में यूज़ किया था। और ये रही हमारी फ्रंट वाली शिफ्टर जिसका आज मैं यूज़ कर आपको दिखाऊँगा। तो इसे गियर शिफ्ट करने के लिए आपको थंब से ऐसे गियर को शिफ्ट करना होता है, लो करने के लिए आपको फिंगर का यूज़ करना होता है। तो इसे आप अपनी हैंडल बार के अंदर कुछ इस तरीके से स्लाइड कर लगा लें। उसके बाद अपनी ब्रेक लीवर को कुछ इस तरीके से आपको वापस से लगा देना है, यानी कि आपने जैसे जैसे खोला था उसी तरीके से आपको अपनी साइकिल में बाकी के पार्ट्स को लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीस का यूज़ किया था अपनी हैंडल बार के ऊपर जिससे हमारा जो हैंडल ग्रिप है वो अच्छी तरीके से स्लाइड हो गया। उसके बाद आप अपनी एडजस्टमेंट कर ले ब्रेक लीवर और शिफ्टर की। उसके बाद आप 5 नंबर की एलन की से इसे टाइट कर दें। आप देख सकते हैं शिफ्टर को कैसे यूज़ में लेना है, थंब से और फिंगर से गियर को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए। उसके बाद आपको केबल हाउसिंग यहाँ पर लगाना होता है। तो केबल हाउसिंग को लगाने से पहले आप अपनी जो गियर की वायर है उसे अच्छी तरीके से ल्यूब कर ले। ग्रीस का यूज़ करना है यहाँ पर, अच्छी तरीके से ग्रीस का यूज़ करना है ताकि फ्यूचर में इसमें जंग ना लगे और ये अच्छी तरीके से गियर को शिफ्ट कर पाए। तो यहाँ पर मैंने अपने केबल केसिंग को कट कर लिया था क्योंकि मेरी साइकिल में गियर के स्लॉट्स दिए गए थे। अगर आपकी साइकिल में गियर के स्लॉट्स नहीं दिए गए हैं तो आप पूरा एक कंप्लीट केबल और केसिंग का यूज़ करेंगे, कट आपको बिल्कुल भी केसिंग को नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं अपने स्लॉट्स में केसिंग को लगा देता हूँ और अपनी वायर को वापस से अपनी जो एंकर बोल्ट है फ्रंट डिरेलर की एंकर बोल्ट उसके अंदर लगा देता हूँ। पहले तो आपको यहाँ पर सिंपल सा, ज़्यादा टाइट नहीं करना है आपको। शुरू में वायर को टाइट करते समय वायर में आपको थोड़ा सा भी लूज नहीं रखना है। वायर को आप अच्छी तरीके से पहले टाइट कर लें प्लायर से खींच कर, उसके बाद आप अपनी एंकर बोल्ट को टाइट करें। फर्स्ट बार टाइट करते समय आपको ज़्यादा इसे टाइट नहीं करना है, ज़्यादा टाइट करने से वायर आपका डैमेज हो सकता है। हल्का सा टाइट कर ले, उसके बाद गियर को शिफ्ट कर आपको देखना है। यहाँ पर मैंने एक क्लिक किया, दो क्लिक और ये तीसरे क्लिक पर ये जो हमारा गियर है वो अभी थोड़ा सा ही शिफ्ट हो पाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 3 तक शिफ्ट कर दिया है लेकिन हमारा जो गियर है अभी 2 पर ही है। ये 1 से जस्ट 2 पर शिफ्ट होने में 2 क्लिक इसने ले लिया। तो ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व हम अभी आपको कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम दिखेगी कि जब भी आप गियर को शिफ्ट करेंगे तो वो अच्छी तरीके से शिफ्ट नहीं होगी और थोड़ा सा आपको इसमें रब और वाइब्रेशन की भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं तब। तो यहाँ पर जो हमारी गियर है वो शिफ्ट नहीं हो रही है, इसका 2 कारण हो सकता है। या तो पहला कारण हो सकता है कि जो हमारी वायर है उसमें अच्छा तरीके से टेंशन ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गैप था हमारा चेन और डिरेलर के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप था जिसके कारण से जो एक क्लिक थी वो पूरी तरीके से यूज़ हो जाती थी, यानी बर्बाद हो जाती थी। तो यहाँ पर जो हम अपनी एल वाली स्क्रू है, यहाँ पर 2 लिमिट स्क्रूज दी जाती हैं, एक में हाई और एक लो गियर के लिए होती है। तो यहाँ पर जो हमारी हाई गियर वाली जो हाई गियर वाली जो स्क्रू थी हमने उसे थोड़ा सा टाइट किया है। वायर में फिर से हमने अच्छी तरीके से टेंशन को बनाने के लिए प्लायर का यूज़ किया है। प्लायर से हम इसे टाइट करेंगे और वापस से हम अपनी एलन की मदद से एंकर बोल्ट को टाइट कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि गियर अभी कैसी शिफ्ट हो रही है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको गियर की इंस्टॉलेशन की नॉलेज नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फर्स्ट बार खुद से अपनी फ्रंट डिरेलर को इंस्टॉल करें, क्योंकि ये जो फ्रंट डिरेलर है इसकी इंस्टॉलेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। रियर डिरेलर में तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है लेकिन फ्रंट डिरेलर में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गियर अब हमारी प्रॉपर रूप से 1, 2, 3 पर शिफ्ट हो रही है। हम इसे कम कर भी देखते हैं कि ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो पा रही है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पूरी तरीके से क्लिक कर दिया है लेकिन हमारा गियर सबसे छोटी वाली चेन व्हील पर नहीं आ रहा है।
ये वाली प्रॉब्लम को हम आपको अभी सॉल्व कर दिखाते हैं। ये वाली जो लिमिट स्क्रूज थी इसे हमने कुछ ज़्यादा ही टाइट कर दिया था, तो लिमिट स्क्रू को हम थोड़ा सा और ढीला करेंगे और इसे फिर से रोटेट कर दिखाएंगे। ये जो फ्रंट डिरेलर है इसकी एडजस्टमेंट की मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अगर मैं इसे बताने लगूंगा तो पूरी एक वीडियो ही इसके ऊपर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रंट डिरेलर की एडजस्टमेंट है इसे करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं इसकी अलग से एक वीडियो आपके लिए जल्दी ही बना दूंगा कि आप इसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका फ्रंट डिरेलर ख़राब हो चुका है उसकी सेटिंग, आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं भी उसकी वीडियो आपको जल्दी ही लाकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो हमारी वायर थी, वायर के अंदर टेंशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो टेंशन को कम करने के लिए हमने यहाँ पर बैरल स्क्रू को भी थोड़ा सा टाइट कर दिया, जिससे वायर के अंदर थोड़ा सा टेंशन कम हो गया। उसके बाद जो हमारी गियर है वो अच्छी तरीके से शिफ्ट होने लगी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर आपकी साइकिल अभी भी नहीं शिफ्ट होगी तो आपको थोड़ा सा और एंकर बोल्ट को खोलकर डिरेलर के वायर में थोड़ा सा आपको लूज़ करना है। लूज़ होते ही जो आपका डिरेलर है वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। कई बार आपका होता है चेन बाहर की तरफ गिर जाता है, बाहर की तरफ गिरने से ये जो प्लास्टिक है ये भी टूट जाता है आपकी चेन रिंग के बाहर, जो प्लास्टिक रखी होती है चेन गार्ड वो टूट जाता है। इसे एडजस्ट करने के लिए आप अपनी हाई लिमिट स्क्रू, इस बार याद रखना आपको एच वाली स्क्रू को ही टाइट करनी है। थोड़ा सा आप एच वाली स्क्रू को टाइट करेंगे, फिर से आपको गियर को रोटेट कर देखना है कि गियर आपका हाई की तरफ शिफ्ट हो रहा है या नहीं। अगर ये हाई की तरफ नहीं शिफ्ट होगा तो फिर से आपको एच वाली स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल एक लिमिट में ही टाइट किया था, जिससे हम जो हमारा गियर है वो अच्छी तरीके से शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गियर की शिफ्टिंग की प्रॉब्लम हमने ख़त्म कर दी है, और जो हमारा एक्स्ट्रा वायर था मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसे रोल कर दिया है, और जो हमारा फ्रंट गियर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आप इसमें देख सकते हैं अभी थोड़ा सा ये वाइब्रेशन आ रहा होगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ फ्रंट वाली गियर को ही चेंज कर रहे हैं। तो गियर को कभी भी आप चेंज करेंगे तो पीछे से बिल्कुल पीछे की कॉम्बिनेशन के साथ ही आपको इसे करना है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार इसे कर रहे हैं तो आप किसी मैकेनिक का हेल्प ले लें, वो आपको कम समय में अच्छी तरीके से कर दिखा देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गियर को कुछ इस तरीके से आपको हमेशा स्ट्रेट रखना है, आप कभी भी इसे अलाइन ना करें, यानी कि आप इसे क्रॉस बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। पीछे वाली गियर की बात करें तो अगर आपका चेन सबसे बड़ी वाली चेन व्हील पर है तो आपको ये दो गियर का यूज़ करना है, यानी कि 6 और 7 का यूज़ करना है। अगर बीच में होगा तो ये 3 गियर का आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 5, 4, 3 का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका चेन व्हील सबसे छोटे वाले पे होगा तो आप 1 और 2 का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका गियर भी अच्छी तरीके से शिफ्ट होगा, गियर में प्रेशर भी ज़्यादा नहीं आएगी, आपकी गियर ख़राब भी नहीं होगी। तो कभी भी आप अगर फ्रंट एंड रेयर दोनों की गियर यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा आप कॉम्बिनेशन के साथ गियर का यूज़ करें, और कोशिश करें कि चेन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। स्ट्रेट रहेगी तो फ्रंट डिरेलर में भी ये नहीं टच होगा और ये आवाज़ भी नहीं करेगा, गियर भी आपकी लंबी चलेगी, जल्दी ख़राब नहीं होगी। गियर का आप कोशिश करें कि कुछ इसी तरीके से यूज़ करें। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो फ्रंट गियर की इंस्टॉलेशन की वीडियो थी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट कर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो यार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार की साइकिल से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर ये वाली जो पूरी वीडियो, अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे दूँगा, आप वहां पर जाकर अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसमें जो मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है उन सब की मैं परचेजिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप ये वाली प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप लिंक के पास जाकर इसे परचेज़ कर सकते हैं। और इससे पहले वाली मैंने वीडियो में आपको इसमें 7 स्पीड की गियर को इंस्टॉल कर दिखाया था, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो उस वीडियो का भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।